सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के इस राज्य का गठन हुआ था, देश को विशेषकर झारखंड को 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सारे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तो जानो, नीलांबर, पीताम्बर, उत्तरा जत्रा ताना भगत और अक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया। मां में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर मणि गाड़िलो, तेलंगाना के वीर रामजी गौ आदिवासियों को प्रेरित करने वाले, आंध्र प्रदेश के लूरी सीताराम राजू, गौंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृति अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों ताजा करने का अवसर भी देता है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। 6 साल पहले खूंटी में मैंने सोलर चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक बल्कि दो ऐतिहासिक अभियान शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत यात्रा सैचुरेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सक्षम बनेगी। पीएम जनजाति आसी न्याय महाअभियान विलुप्त की कगार पर खड़ी जनजातियां जितना प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं उनकी रक्षा करेगा,
उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे पर मुझे सरकार के मुख्य के तौर पर, हेडन के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का समय मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक मंत्र आपके सामने रख रहा हूं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य का निर्माण करना है तो हमें उस 4 अमृत स्तंभों को मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना। हमारी सरकार ने जितना में किया अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहन, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमदाता। तीसरा अमृत स्तंभ के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और अमृत स्तंभ